हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले स्टेट का लेक्चर सेमिस्टर 5 का। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर स्टेट का होगा वो लेक्चर नंबर 8 होगा। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। एक ही सम करवा रहा हूँ लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सम है। अभी तक 7 मार्क में एक बार पूछा गया है और एक बार 4 मार्क में पूछा गया है, तो 90% चांसेस है कि ये सम आपको आ सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपने 6 लेक्चर में देख चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ आपको। डायरेक्टली मैं आपको सम करवा रहा हूँ, सम नंबर 16। और अगर नहीं देखे तो आप प्लीज जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए सारे 6 लेक्चर। मैंने टोटल सम स्टार्ट करवाया है यहाँ पे आपको, सम नंबर 4 से मैंने स्टार्ट करवाया है और सम नंबर मैं 15 तक करवा चुका हूँ। तो आज मैं जो करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ सम नंबर 16। तो सम नंबर 16 क्या है आपका? पी एक्स इक्व टू 0, पी एक्स इक्व टू 1 इक्व टू के। प्रूव करिए कि के इक्व टू 1/e है। बहुत ही सिंपल सम है, के देख के डरना नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? पी एक्स इक्व टू 0, पी एक्स इक्व टू 1 इक्व टू के। प्रूव करो कि के इक्व टू 1/e है। कोई सुनिए, पी एक्स इक्व टू 0। अब यहाँ पे क्या था, मैंने आपको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था कि अगर ऐसा हो तो m लिख दो, फिर ऊपर वही लिखो जो x इक्व टू है। तो x इक्व टू 0 है डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स इक्व टू पहले तो m लिख दो, x के साथ क्या है 1, डिवाइड में क्या कर दो 1 का फैक्टोरियल। तो ये m का 0 क्या हो गया आपका 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या हो गया आपका 1, और m का 1 क्या रह गया आपका m, 1 का फैक्टोरियल क्या रह गया 1। तो 1 इक्व टू m, तो m इक्व टू 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है m। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया था ये डायरेक्ट करवाया था। अगर मुझे इसको फॉर्मूला के साथ करवाना पड़े तो मैं इस तरह से आपको करवाता कि e रेस टू माइनस 1 इंटू एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल इक्वल्स टू e रेस टू माइनस 1 इंटू एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। आखिर ये इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा और इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। अब यहाँ से ई ये कट जा रहा था, ठीक है, तो एम एक्स क्यों नहीं कटा? क्योंकि नहीं कटेगा, यहाँ पे एक्स क्या है आपका 0 है, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे एम क्या रह गया 1 रह गया। इसी तरह यहाँ पे भी 0 का फैक्टोरियल रह गया, यहाँ 1 का फैक्टोरियल रह गया। देखो हम घूम फिर के वहीं आ गए, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया था। तो ये डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ तक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर जब बात आ जाती है के वैल्यू की तो किस तरह से करना है आपको। तो हमने एम तो निकाल दिया यहाँ पे, अब आपको क्या करना है कि पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू के। क्लियर? तो पी एक्स इक्वल टू 1 का फॉर्मूला क्या है? ई माइनस एम एन टू एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू के। तो ई रेस टू माइनस एम क्या है, एम की वैल्यू क्या है 1, तो ई रेस टू माइनस 1 एन टू एम क्या है आपका 1, एक्स क्या है आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू के। तो ये हो गया e रेस टू माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया k। तो 1 e माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का क्या हो गया e माइनस 1 इक्वल टू k। तो अब ये माइनस 1 है तो मैं इसको नीचे कर लूंगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1 बाय e प्लस 1 इक्वल टू k। तो 1 का पावर तो e 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 बाय ई इक्वल टू के ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो प्रूव हो गया आपका के इक्वल टू 1 बाय ई। अभी आपको इसको भी ले सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 0 ये भी ले सकते हो। तो पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू के, तो इसका फॉर्मूला क्या है ई माइनस एम इन टू एम रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू के। तो ई माइनस एम, तो एम की वैल्यू क्या है 1 इन टू एम क्या है आपका 1, एक्स क्या है 0, 0 का फैक्टोरियल के। तो ई रेस टू माइनस 1
एन टू वन का जीरो मतलब वन, जीरो का फैक्टर मतलब वन इक्वल टू के, वही आ गया ई माइनस वन इक्वल टू के, तो के इक्वल टू वन बाय ई वन, क्योंकि नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के इक्वल टू वन बाय ई। तो बहुत ही सिंपल सम था और बहुत ही मजेदार सम था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए इसको एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया सम नंबर 16 का। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।